स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी प्रकार से इसको फाइनेंस नहीं किया गया है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जैसे आप लोगों का फ्रेंड सर्किल होता है उसी प्रकार से हमारा भी आईटीआई के लोगों का एक सर्किल होता है। जैसे मैंने अपने कॉलेज का बनाया था, आपको पता होगा, ग्लोबल आईटीआई कैंपस करके मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें हमने पूरा शो किया था बिल्डिंग, उसके बाद टूल्स वगैरह। तो इसी प्रकार से अपने फ्रेंड सर्किल में एक सर हैं और उनसे लगातार हम टच में रहते हैं, हमारी भी अपनी कम्युनिटी है। तो सर की जो कॉलेज है उसका लोकेशन, उसका नाम, उसकी बिल्डिंग, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर एक एजुकेशनल पर्पज़ प्लस इन्फॉर्मेशन के लिए, काफ़ी बच्चे जानना चाहेंगे इस कॉलेज को, तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं चंद्रदेव प्राइवेट आईटीआई गाजीपुर, ठीक है। इस प्रकार सर्च करेंगे तो उनको डिटेल मिल सकती है। तो इसी पर्पज़ के साथ मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आज छुट्टी का दिन है और ऐसे ही यहाँ पे रैंडम मुलाकात होगी हम लोगों की, और इधर साइड से लेकर इस प्रकार से कैंपस है इधर, और अंदर मैं आप लोगों के लिए चलूँगा, वर्कशॉप वगैरह है या जो आईटी लैब है, क्या बेहतर है क्या नहीं है, मतलब कैसा है ओवरऑल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अंदर। अभी आप देख रहे हो यहाँ से ये एंट्रेंस गेट है, और यहाँ से जब अंदर की तरफ आएँगे, अभिषेक सर आइए, तो यहाँ आते समय आपके राइट साइड में पड़ेगा ऑफिस, और ऑफिस के अंदर भी एक ऑफिस है, और ऑफिस का हम लास्ट में आपको शो कर देंगे यहाँ के डिटेल्स। हालांकि थोड़ा चलो एक रफली यहीं से ले लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे एक ऑफिस ये है, यहाँ पर टीचिंग स्टाफ और फीस वगैरह के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं, और सामने जो है मैनेजमेंट के लिए अपना एक अलग यहाँ पर केबिन है जहाँ पर सर वगैरह बैठते हैं। अब इसके ऑफिस के बाद हम लोग चलते हैं क्लासरूम और अदर बिल्डिंग के जो हिस्से वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपकी ये जो गैलरी का लेन है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपके राइट साइड में, मेरे राइट साइड में, आप उधर से आएंगे तो लेफ्ट होगा, इधर वॉशरूम है ये, उसके अलावा एक और इधर से भी वॉशरूम है, और शायद आप लोग वॉशरूम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत तो सबको पड़ेगी। अब से एक सर आइए, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका एक लाइब्रेरी और ऑफिस टाइप का सेक्शन है जहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा स्पेस है, समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बाकी ऊपर भी दिखा दीजिए, सर की जो आईटीआई है उसमें थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक है, सब सुंदर बनाया गया है। उसके अलावा सबसे खास बात है आईटी लैब, ठीक है, यहाँ पर नाम भी दिखा दीजिएगा। और आईटी लैब ज़्यादातर, उसे आ जाइए, ज़्यादातर आईटी लैब आपको नॉन वर्किंग कंडीशन में, या फिर ऐसा लगता है कि आप जुगाड़ वाले हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, सभी सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है। और एक खास बात ये है कि जनरली आपको कैंपस में, या जो गवर्नमेंट का रूल है ये कहता है कि एक आईटीआई कॉलेज में 1+1 की आईटीआई हो या 2+2, या कहा जाए 100-200 संख्या वाली आईटीआई कॉलेज में एक आईटी लैब होता है, लेकिन बच्चों की लर्निंग उसे ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सके, जैसा कि आपको पता है परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और 10 सिस्टम होने पर बैचेज में अब क्या है, दो दो बच्चों को बैठाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सर ने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है बेहतर करने के लिए, 2 आईटी लैब तैयार किया इन्होंने। कंप्यूटर जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ पर 18-20 कंप्यूटर इन्होंने लगाया है, और ब्रॉडबैंड की भी सुविधा है। जनरली आप देखोगे डोंगल वगैरह लगाया जाता है, उससे सही से कुछ सिस्टम काम नहीं करते हैं, ब्रॉडबैंड भी है प्रॉपर, इन्वर्टर बैकअप है, लाइट रहे ना रहे आईटी लैब जरूर चलता है। उसके अलावा और भी चीज़ें मैं विशेष दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। सबसे नया कि 2 आईटी लैब आपके, है ना सर, सेकंड वाला कहाँ है बताइए नहीं तो पता चला कि कहेंगे कि नहीं झूठ बोल रहे। देखिए, और आइए सर, सर से मुलाकात करवा दें। सर का नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव, ठीक है, यादव शायद लिखते नहीं है सर, तो सर की ही आईटीआई है। और आपने मुझे मेरे साथ ब्लॉग चैनल पर, फेसबुक वगैरह पर कहीं भी आप शेयर करते होंगे तो आप देखते होंगे, ज़्यादातर कम्युनिटी में आप सर को कहीं कहीं देखे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। बाकी ये सेकेंड आईटी लैब है, ये भी देखेंगे आप तो यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा आपको अलग देखेगा, काफ़ी सुंदर है, जैसे एक एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है ना केबिन वगैरह सेपरेट टाइप का, तो इस प्रकार से यहाँ बनाया गया। और सब में जो हैं सिस्टम वगैरह नए लगे हुए हैं, कोई भी बहुत आउटडेटेड पुराना नहीं है, और सब नया सिस्टम है। अब से सर नज़दीक से भी दिखा सकते हैं, और सब में यहाँ पर भी आप देखिए राउटर वगैरह, राउटर का क्या है वहाँ, राउटर्स केबल आई है और स्विचेज के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं, तो सब में इंडिविजुअल क्या है, इंटरनेट की व्यवस्था है। क्यों ये सब क्यों किया गया है, ऑनलाइन परीक्षा को देखते हुए बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस करने को मौका मिले उसके लिए। और सर ना केवल ऐसे ही जुड़े हुए हैं, हम लोग जैसे ग्लोबल आईटीआई के जो कंटेंट होते हैं, वीडियो क्लासेज है, टेस्ट वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, जो कि बच्चे फीस देकर पेड कोर्सेज खरीदते हैं, वो सब कोर्सेज आपको यहाँ पर निःशुल्क इस कॉलेज में उपलब्ध रहता है। वही चीज़ें, वही क्लासेज आपको यहाँ एक्स्ट्रा देखने को भी देख रहे होंगे। यहाँ पर इसके लिए इंडिविजुअल इन्वर्टर लगाया गया है इस आईटी लैब के लिए, क्योंकि सभी लेटेस्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं है, तो इन्वर्टर पर इनका बैकअप जो है ठीक ठाक हो जाता है। उसके अलावा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ
क्लासरूम में, क्लासरूम में ट्रेडिशनल वाइट बोर्ड तो है, उसके साथ आपको, चलिए सर अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं तो बेहतर रहेगा, वहाँ पर ट्रेडिशनल वाइट बोर्ड वगैरह हैं, उसके साथ साथ आपको आपको जो डिजिटल स्टडी करनी है, जैसे अगर आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखना है तो उसके लिए अब दिखा ही देता हूँ आपको। प्रोजेक्टर भी इंडिविजुअल लगाए गए हैं, यहाँ नहीं वहाँ पर आप देख रहे हैं। मैंने सैम्पल के लिए अभिषेक सर की वीडियो यहाँ पर ऑन करवा दिया था, ठीक है। इसका कनेक्शन अलग है, इसका इन्वर्टर सर दिखाइए नीचे। इसके लिए भी जो आपका प्रोजेक्टर है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिया, लाइट नहीं आती है, गांव में लोकेटेड है आईटीआई तो क्या, सारी समस्या, उसके लिए इंडिविजुअल इन्वर्टर लगाया गया है। और आईटी लैब से जो है वहाँ से, उससे जो है दो दो प्रोजेक्टर हैं, दूसरा मैं दूसरे क्लासरूम में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है सिर्फ एक में दिखाने के लिए लगा दिया। ये नॉर्म्स के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आईटीआई खोलने के लिए चाहिए, आईटीआई चलाने के लिए चाहिए, अगर आप शौक से चलाना चाहते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें मतलब हम जो कॉपी किताब में पढ़ रहे हैं वैसे तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके साथ ये अलग से एक होती है ना नई सोच, नई चीज़ों के हिसाब से जो आज के परीक्षाएं हैं, आज की जो डिमांड है उसके हिसाब से बदलाव, तो ये बदलाव है। पुराने वर्क बेंच वाली बात और पुराने व्हाइट बोर्ड के साथ नया डिजिटल स्टडी कंटेंट भी देखने और दिखाने की सुविधा है, और इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी है, न केवल यूट्यूब, उसके अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हैं वो वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर चलाया जाता है, उनका सही ऑप्शन यहाँ पर टीचर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी बच्चे सामने देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन क्या कराया जा रहा है। और भी जो क्लासेज वगैरह हैं, जो कंप्लीट थ्योरी क्लासेज हैं डायग्राम्स के साथ, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स वगैरह, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इन्हीं प्रोजेक्टर की मदद से। और ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है, और लगभग हम लोग सोच रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ लोग जुड़े हैं तो सोचते हैं यार आईटीआई को क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वही एक कदम हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लासरूम में चलते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ तो वो चीज़ें दिखनी भी चाहिए, और डिमांड भी आज की ज़रूरत यही है, ठीक है। शायद अंदर आवाज़ गूंज रही थी। अगला क्लासरूम है, अब से एक सर आइए, ये सेकेंड क्लासरूम है, यहाँ पर भी अब आप तो कह सकते हैं कि मैंने अपनी की वीडियो बना दी है या चला रहा हूँ, अब मुझे देखिए हमें अपनी चीज़ पता है, तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल देख रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की क्लास प्ले हो रखी है, रणधीर सर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी सेटअप है अलग, नया प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और इसका जो पीसी है यहाँ लेफ्ट साइड में है, इससे कनेक्ट है, और इसमें भी इंटरनेट कनेक्टेड है, जिससे ये यूट्यूब से डायरेक्टली जो क्लासेज हैं वो प्ले हो सकती हैं। उसके अलावा जो मैंने कहा था क्लासेज ऑलरेडी उपलब्ध हैं यहाँ पर, पेन ड्राइव वगैरह से लेक्चर्स ऑलरेडी किसके माध्यम से कराया जाए, आपके प्रोजेक्टर की मदद से कराए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो हर आईटीआई में होती है, वर्कशॉप वगैरह, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब से सर चलिए नेक्स्ट वर्कशॉप की, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि वर्कशॉप की बात करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा फिटर का वर्कशॉप अवेलेबल है, आइए यहाँ पर आपको एक नज़र दिखाते हैं। और कई बार वर्कशॉप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रह जाता है कि चीज़ें टूट फूट गई हैं या ऐसा, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, और 2+2 की आईटीआई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये वर्कशॉप है बड़ा है, और आपको वर्क बेंच और सारी सेटअप देखने को लगभग मिल रहा होगा, जैसे आपकी लेथ मशीन वगैरह है, और प्रॉपर लाइट की भी व्यवस्था है, बल्ब वगैरह आप देख सकते हैं। कई बार होता है ना वर्कशॉप में अंधेरा हो, मौसम सही नहीं हो, तो यहाँ पर सारा अरेंजमेंट है, CCTV भी लगा हुआ है, ठीक है, जिसको केबिन से मॉनिटर किया जाता है कि कोई लड़का या बच्चा लापरवाही तो नहीं कर रहा है, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को आप जानते होंगे कि वर्कशॉप कैसा होता है। तो एक प्रॉपर वर्कशॉप आपका फिटर का यहाँ है, और इलेक्ट्रिशियन का जो है फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको आगे। चलिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, उसके पहले इंट्रो करा दें, सर का नाम सुनील जी हैं और ये यहाँ के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, तो आपकी मुलाकात सर से होगी अगर कभी इधर आना जाना हुआ तो। चलिए ऊपर की तरफ अभिषेक सर जल्दी जल्दी से आइए, आपकी एंट्री कराते हैं इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रेड उपलब्ध है जनरली, यही मोस्टली पॉपुलर ट्रेड भी हैं, इलेक्ट्रिशियन और फिटर, और ज़्यादातर आईटीआई कॉलेज में आपको यही देखने को मिलती हैं। तो आपका ये इलेक्ट्रिशियन का वर्कशॉप है, और यहाँ पर सारे पैनल्स वगैरह हैं, सारी जो मशीनरीज हैं वो उपलब्ध हैं, और जो प्रैक्टिकल्स संभव हो पाते हैं, कई प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकली ही हो पाते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल संभव हो पाते हैं वो सब चीज़ें यहाँ कराई भी जाती हैं। कुछ वेस्टेज मटेरियल आपको इधर दिख रहा होगा, जैसे वायर हैं, कटिंग वटिंग हो रखी है, या फिर उधर समरसिबल की मोटर वगैरह है, उसकी बाइंडिंग उधर खोली गई है, यहाँ भी कुछ मोटर की बाइंडिंग ही है, चमकदार लग रहा था मैंने क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब प्रैक्टिकल के कहीं ना कहीं आपको प्रूफ देखने को मिल जाते हैं, जो तार वार टुकड़ा गिरा हुआ है ना, जहाँ पर ये सब नहीं है तो क्या है, मतलब होता ही नहीं है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक कैंपस टूर के रूप में
दिखा दिया और इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस था, एक कॉलेज कैसा होता है या कैसा कॉलेज ये है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और मैं आपको यहाँ का एड्रेस, नंबर और सब कुछ जो है वेबसाइट वगैरह शो कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, शायद आपको दिख रहा होगा। सर दिख रहा है क्या? चंद्रदेव प्राइवेट ITI फिरोजपुर रामपुर जीवन गाजीपुर। तो बाकी हालांकि नाम एक नाम से कई कॉलेज भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट सारा कुछ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। अगर आप नियर बाई के हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नज़दीक होती हैं, जैसे गाजीपुर जो हिस्सा है, इधर से मऊ के लोग, आजमगढ़ के, बलिया के, इधर के लोगों के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नज़दीक भी पड़ सकता है कॉलेज। तो अगर कभी आपकी इच्छा हो ITI के लिए, देखना हो कॉलेज, एडमिशन लेना हो, तो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।